रसलबाई पर का रेस्क्यू करने, और यहाँ आप देख सकते हैं रोड पर पूरा पानी भर चुका है और बहुत गंभीर सिचुएशन है। यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं बोचाही में, और चलिए यहाँ थोड़ा सा सूखा मिला, जान में जान आई। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पूरा पानी भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, रसलबाई पर निकला हुआ है, देखते हैं। हे भगवान, बहुत बुरा समय आ गया है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मल कुमार। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक लवर। तो दोस्तों, अभी जो है आप देख सकते हैं टाइम 11:08 हो रहे हैं रात के, और ऐसे में जो है हम बोचाही में, क्या नाम बता रहे थे, कुणाल कुमार जी के घर पे आए हैं। और इनके यहाँ दोस्तों रसल वाइपर देखने की बात कही गई है। अभी हम आए तो रास्ते में पूरा पानी भरा हुआ था, बहुत मतलब आना जाना भी बहुत मुश्किल है यहाँ पे। घर वालों के, गांव वालों के घरों में पूरा पानी भर चुका है, और ऐसे में जो है घर में रसल वाइपर सांप होना बहुत खतरे की बात है, क्योंकि एशिया का सबसे ज्यादा जहरीला सांप है ये। अगर बाइट कर ले तो अक्सर इंसान मर ही जाता है, नहीं तो उसका जिंदगी भर के लिए जिस अंग में वो सांप काटता है वो बेकार हो जाता है। तो ऐसे में हमें आना मजबूरी थी और जरूरत भी थी, तो इसलिए हम आ चुके हैं। चलकर देखते हैं और उसका रेस्क्यू करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों घर का क्या हाल है, पूरा बाढ़ से पानी भरा हुआ है। और लोग बता रहे हैं कि ये जो सेकंड वाला बाथरूम है इसमें छुपा हुआ है लाइट, टॉर्च बा का तो आइए दोस्तों दिखाते हैं पहले सांप और उसका रेस्क्यू करते हैं। ये देख सकते हैं ये इनका टॉयलेट है, और यहाँ आप देख सकते हैं ये रसल वाइपर सांप मीडियम साइज का ही है, बहुत खतरनाक हो जाता है। मीडियम साइज है इसलिए देख सकते हैं। इधर दिखाइए, इधर इसका मुंह है शायद पेट। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसे हमको काफी सेफ्टी से निकालना होगा, काफी सावधानी से, क्योंकि बहुत अग्रेसिव स्नेक होता है। भैया आप लोग दूर रहिए, आप लोग दूर रहिए, बहुत अग्रेसिव है। तुम इधर आ जाओ, ठीक है, भाग रहा है। इसको बहुत सावधानी से पकड़ना होगा, इसको बाहर लाना होगा। तुम जो है उधर रहना, सापरा
दोस्तों काफी एग्रेसिव है, हाँ देख सकते हैं काफी एग्रेसिव हो रहा है, तो इसे काफी सावधानी से रेस्क्यू करना होगा। देख रहे हो प्रजाति बढ़ी है, कौन कौन रसल भाई तो आपने देखा दोस्तों रात का समय इतना एग्रेसिव रसल वाइपर और इतनी दूर हमें यात्रा करके आना पड़ा, तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास हमें आना पड़ा और बहुत मुश्किल हुई हमें रसल वाइपर को डब्बे में करने में, चूंकि यह डब्बे में जा नहीं रहा था। तो दोस्तों घर में ऐसा सांप आए तो बहुत खतरे की बात है, खासकर ऐसा अगर रसल वाइपर अगर देख ले आप अपने घर में तो उससे दूरी जरूर बनाए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जहरीला सांप है, इसे अजगर समझने की गलती बिल्कुल ना करे, खुद से बिल्कुल भी इसके नजदीक ना जाए, अगर इसने काट लिया तो आपकी जान जा सकती है। तो उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा काम अच्छा लग रहा होगा, तो अगर आपको हमारा काम अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कई सारे और सांप भी बचें और मनुष्यों की भी जान बच सके। मिलते हैं साथियों फिर से अगली बार किसी और स्नेक के साथ, आपका स्नेक लवर निर्मल कुमार, जय हिंद जय भारत। भी फोटो ले लीजिए सब का आ जाएगा।